अमेरिका में राहुल के नाम एक और कामयाबी। प्रतिष्ठित रूजवेल्ट हाउस पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट में न्यूयॉर्क के प्रमुख विचारकों के साथ की बातचीत। न्यूयॉर्क में राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, कांग्रेस नहीं भारत के लोग ही बीजेपी को धूल चटाएंगे। आज न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को राहुल करेंगे संबोधित। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उड़ीसा बालासोर रेल हादसे की जांच का मामला, कवच सिस्टम जल्द से जल्द लागू करने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेल हादसे को लेकर मोदी सरकार को घेरा, कहा विज्ञापनी पीआर हथकंडों ने मोदी सरकार के काम करने की प्रणाली को खोखला बना दिया। उड़ीसा बालासोर रेल हादसे की जगह पहुंचे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, हालात का लिया जायजा, हर मदद का दिया भरोसा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, विदेशों में राजनीति न करने की दी नसीहत। सोनीपत के मंडलाना में पहलवानों के समर्थन में महापंचायत, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के अलावा पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी पंचायत में हुए शामिल। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी बालासोर रेल हादसे के लिए रेल मंत्री को ठहराया जिम्मेदार, बोले रेल मंत्री को बिना प्रधानमंत्री की हां का इंतजार किए हर हाल में इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात, 2024 लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ने को लेकर हुई चर्चा। मणिपुर में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन शुरू, 35 हथियार बरामद, सेना पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर कर रहे काम, कल उपद्रवियों ने 144 हथियार किए थे सरेंडर। ओडिशा ट्रेन हादसे पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले दिल तोड़ने वाली खबर, दुख की इस घड़ी में पूरा अमेरिका भारत के लोगों के साथ खड़ा है। चीनी राष्ट्रपति ने शोक संदेश भेजा, जापान के पीएम ने कहा हम भारत के साथ। साउथ अफ्रीका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा विदेश में राजनीति नहीं करता, राहुल के अमेरिका दौरे पर पूछे सवाल पर कहा देश वापस लौटकर जवाब दूंगा। ब्रिक्स देशों की बैठक के लिए साउथ अफ्रीका में है विदेश मंत्री। सोमालिया में युगांडा के 54 सैनिकों की हत्या, अलशबाब के आतंकियों का दावा, फिदाइन हमले में हमने 137 को मार गिराया, पूरा इलाका राजधानी मोगादिशु से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका में पार्ट टाइम जॉब्स करने वालों की संख्या बढ़ी, 10 साल में 15% ज्यादा हुई, नई पीढ़ी नौकरी के बंधन से मुक्ति चाहती है, काम के घंटों के बंधन से आजादी चाहने वाले बढ़े। रूस यूक्रेन जंग में सीजफायर नहीं चाहता अमेरिका, विदेश मंत्री बोले यूक्रेन अपनी शर्तों पर समझौता नहीं कर पाएगा, रूस दोबारा हमले कर देगा, ब्लिंकन बोले सीजफायर से दुनिया में गलत संदेश जाएगा। इस महीने पैन आधार लिंक करने का आखिरी मौका, 30 जून तक ऐसा नहीं करने पर पैन हो जाएगा बेकार, पैन आधार लिंक नहीं करवाने पर देना पड़ सकता है ₹10,000 तक की पेनल्टी। बेमौसम बारिश से 40% तक घटी कूलिंग कंपनियों की बिक्री, सामान्य से कम बारिश के चलते ज्यादातर लोगों ने एसी कूलर फ्रिज खरीदने का प्लान डाला। शाहरुख के साथ जवान में दिखेंगे असुर 2 की एक्ट्रेस रिद्धि, एक्ट्रेस ने कहा कि वो दिन कभी नहीं भूल सकती, शाहरुख का सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अलग है, शाहरुख से बात करने में काफी आराम महसूस हुआ। सारा ने दादी शर्मिला टैगोर के साथ शेयर किया रील, फैंस को पसंद आया बॉन्ड, बोले ये बहुत प्यारा है। सभी आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाला पहला देश बनेगा डब्ल्यूटीसी चैंपियन भारत, ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अंडर 19, टी20 और वनडे वर्ल्ड कप भी जीते।